किसानों की समस्याओं को लेकर सपाइयों ने पूर्व विधायक विजय पासवान के नेतृत्व में मंगलवार को प्रदर्शन किया। आरोप है कि केंद्रों पर धान की खरीद नहीं हो रही है। समितियों पर रवि का सीजन शुरू होने के बाद भी खाद व गेहूं का बीज उपलब्ध नहीं है। उन्होंने डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर को ज्ञापन सौंप कर समस्याओं के समाधान की मांग की। पूर्व विधायक के नेतृत्व में सड़क पर उतरे सपाइयों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया। पूर्व विधायक ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है, किसान हितैषी होने का दावा फेल है, धान कटने लगा है, किसान बेचने के लिए भटक रहे हैं, क्रय केंद्रों पर खरीद नहीं हो रही है, बिचौलियों के हाथों सस्ते से बेचने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रवि का सीजन शुरू हो चुका है, किसान गेहूं बोने की तैयारी में है, गेहूं का बीज और खाद समितियों पर उपलब्ध नहीं है, किसान परेशान है, वह बाजार से महंगे दाम पर खरीदने को मजबूर है, कृषि विभाग जानबूझकर क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, बाढ़ से नुकसान किसानों की फसल का मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियां किसान नौजवान व्यापारियों छात्रों के लिए घातक साबित हो रही है। सपा अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा। हमने डीएम साहब को ज्ञापन सौंपे हैं और चार मांगे थी हमारी, सारे मांगे किसानों के हित में था। मेन तो हमारा सबसे पहले मांगे था जो बाढ़ आके हमारे तीन तीन बार बाढ़ आ गया और बाढ़ आपदा से तमाम किसानों का फसल बर्बाद हो गया। इन्होंने सर्वे भी कराया, तमाम जाके घोषणा भी किया और आश्वासन भी दिया, लेकिन अभी तक बहुत सारे किसानों को मुआवजा नहीं मिला। और दूसरी, अब धान कटना शुरू हो गया है, लगभग दस दिनों से आप लोगों को भी पता है धान कट रहा है। अब इनका क्रय केंद्र शुरू भी नहीं हुआ है, बिचौलिया लोग औने पौने दाम पे किसानों से धान खरीदने का काम कर रहे हैं, ये भी उन डीएम साहब सामने अवगत कराया। और दूसरा सबसे बड़ा समस्या है, किसानों को बुवाई का सीजन आ गया है, ये जो खाद का किल्लत इतना बड़ा हो गया है, जो खाद का कीमत 1000-1200 उसको 2000 में ये लोग प्राइवेट हाथों में दे दिया, वो बेच रहे हैं। और जबकि 50 किलो का जो खाद का बोरी था, ये बीजेपी के लोगों ने 10 किलो उसमें भी चोरी भी किया, उसके बाद उसमें रेट भी बढ़ा दिया, इसके बाद किसानों को खाद भी नहीं मिल पा रहा है। हमें डीएम साहब से उम्मीद था, इसीलिए हम लोगों ने डीएम साहब के नाम पे ज्ञापन बना के हमारे तमाम पदाधिकारी हमारे जाके उनके हाथ में दिया। उम्मीद ये किया है कि आपको एक बार हम अवगत करा दे रहे हैं, इसका सुधार कर दिया जाए। अगर नहीं सुधार होता है तो हम समाजवादी लोग किसानों के लिए लड़ते हमेशा आए हैं। हमारे नेता जड़ी अखिलेश यादव किसानों के लिए, नौजवानों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। हमारे स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने भी किसानों नौजवानों के लिए काम किया है। हम सभी समाजवादी साथी किसानों के लिए आगे बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। कलेक्टर साहब पे बहुत विश्वास करके अपने ज्ञापन सौंपा, क्या आशा है? हमें पूरा उम्मीद है कि कलेक्टर साहब जो हमने ज्ञापन दिया है सारा व्यवस्था कराएंगे, किसानों का तकलीफ और तमाम जो क्रय केंद्रों में भ्रष्टाचार हो रहा है, खाद वाले दुकानों में भ्रष्टाचार है, ये कहीं ना कहीं वो उस पे निपटारा दिलवाएंगे।